पब्लिक टीवी आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं अंकित चौहान और आज मैं लेकर आया हूं मुरादाबाद लोकसभा सीट पर क्या है नज़ारा और किस तरह का माहौल है मुरादाबाद में, इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं मुरादाबाद के पत्रकार जो हमसे बातचीत करेंगे और बताएंगे कि आखिरकार मुरादाबाद में किस तरह का माहौल चल रहा है, उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे किस तरह का माहौल है मुरादाबाद। माहौल ठीक है, सामने आमने की टक्कर होगी और कोई भी प्रत्याशी किसी एक वर्ग के वोटों से चुनाव नहीं जीत सकता, वही चुनाव जीतेगा जिसको सारे हिंदू मुस्लिम सबके वोट मिलेंगे। तो उस हिसाब से चुनाव बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है और समाजवादी पार्टी से टिकट कटने का भी मैं नहीं समझता। मतदान आते आते वो चीज़ रहेगी, सब खत्म हो जाएगी और सीधा सीधे ही मुकाबला होगा। अब इसमें ये कहते हैं हो सकता है, जितना मार्जिन पर डिपेंड करता है सब कुछ। अच्छा नहीं, जिस तरीके से अभी एक विरोध लगातार नज़र आ रहा था, देखा जा रहा था कि भाई समाजवादी पार्टी की जो वर्तमान कैंडिडेट है उनका विरोध हो रहा है, पुतला दहन हो रहा है, लगता नहीं है कि इससे कहीं ना कहीं माहौल जो बदलता नज़र आ रहा है? इससे तो यहाँ तक प्रत्याशी नहीं पहुँच पाता, मैं समझता हूँ उसका प्रचार हो रहा है। ये आखिर वोट कहाँ देगा, विरोध करने वाला भी वोट कहाँ देगा? और BSP का प्रत्याशी इतनी दमदारी से लड़ता हुआ नहीं दिख रहा जितना लड़ना चाहिए। तो जो BJP के विरोध में है वो आखिर वोट कहाँ देंगे? अगर समाजवादी पार्टी को जो विरोध वाला जो वोट है वो आखिर कहाँ देंगे? क्या ऑप्शन नहीं है मुरादाबाद? ऑप्शन क्या, आप तो समीकरण पहले ही देख रहे हैं। ये पहले अजुद्दीन सांसद थे, यहाँ पे बाहरी प्रत्याशी थे, एक बार जीत प्यार दिया जनता ने, जीते, उसके बाद हारे, टिकट ही नहीं। इस कारण आप समझते होंगे भली बात ही कि एक बाहरी कैंडिडेट को मुरादाबाद की जनता क्यों वोट करे, कि उसके आने का इंतजार करे अपने कामों को लेकर। अजुद्दीन कब आए, कब मिले, कब जनता की सुनी, जीते और यहाँ से रवाना, आए अपने कार्यालय तक मिले, ना जनता से मिले, ना कोई कार्य करा। अब आ जाइए हम मुरादाबाद की सीट पर। आपको बता दूँ, रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं समाजवादी से आजम खां, एक मुस्लिम बहुत बड़ा चेहरा रामपुर में, आप जानते होंगे, अगर कहते तो चुनाव आजम खां के अलावा कोई नहीं जीत सकता था। उनके सदस्यता रद्द हो गई है, उनके बेटे की रद्द हो गई, उनकी वाइफ की रद्द हो गई। उन्होंने इसको लेकर अखिलेश से चर्चा की थी कि वो चुनाव लड़ें, चूँकि वो जेल में बंद है। चर्चा में बाजार गर्म रहा था कि अखिलेश लड़े या तेजस्वी यादव लड़े, कुछ नहीं हुआ। आखिरकार रामपुर में नदवी को उतार दिया गया। ठीक, संभल सीट पर आइए। संभल सीट पर सफीउर रहमान वर्कर समय पहले डिक्लेयर हो, इसी बीच उनका देहांत हुआ, उनके पोते को टिकट हुआ जिया को, समाजवादी की खास नहीं। सवाल मेरा यह है कि क्योंकि अभी जैसे खन्ना जी ने बताया कि आखिरकार वोट जो विरोध में मुस्लिम लोग हैं वो आखिरकार वोट कहाँ देंगे, क्या उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं है? ऑप्शन है ही नहीं, ऑप्शन बचेगा कैसे, आप खुद ही बताइए। ST हसन का एंड मौके पे नॉमिनेशन के बाद टिकट काट दिया। ST हसन आजम खां के बाद पहला बड़ा मुस्लिम चेहरा हुआ करता था, और आज समाजवादी कार्यालय में मीटिंग हुई, कोई विधायक नहीं दिखा, जबकि 5 विधानसभाएं मुरादाबाद की, 4 विधायक यहाँ के समाजवादी के गढ़ माना जाता, उसमें नहीं दिखे कोई भी विधायक, खाली कार्यकर्ता थे। रुचि बीरा से जब मीडिया सवाल कर रही है सांसद की से आप मिले, क्या बात रही, क्या नहीं हुआ ऐसा आपको एंड मौके पर, तो उनका सीधा साफ सा एक नजरिया बता दें जो याद सा कर रखा है, कई बयान मैंने सुने कि वो मेरे भाई हैं। दूसरा बड़ा कार्य ST हसन का जहाँ आवास है, जहाँ उनका कार्यालय है ST हसन का समाजवादी का, उससे चंद कदमों की दूरी पर रुचि बीरा का ऑफिस खोला, मुश्किल से चंद, और अभी तक उनका ये कहना है, अभी ये कोई बात सामने नहीं आई कि मुलाकात हुई या नहीं हुई। शेष 12 दिन बचे हैं चुनाव प्रचार को रुकने में, और अभी तक कोई इनका मेल मिलाप या समाजवादी के सारे नेता एक इस प्लेटफॉर्म पर नहीं दिख रहा है, इससे बहुत बिल्कुल सही बात है। कमल जी, आपसे बात करेंगे कि आखिरकार क्या लगता है कि भाई समाजवादी पार्टी जो मुरादाबाद एक गढ़ है, और उस मुरादाबाद के गढ़ में क्या समाजवादी पार्टी कमज़ोर हो रही है? क्योंकि इस बार 19 में भी समाजवादी पार्टी के पास में सीट थी, 2024 में कहीं क्या लग रहा है कि माहौल कहीं ना कहीं बदलता हुआ नज़र आ रहा है? बिल्कुल, इनका आपसी कहलाई जो है वो सबसे ज़्यादा चुनाव को बिगाड़ रहा है। जो गठबंधन की प्रत्याशी रुचि बीरा जी आई हैं तो उनके सबसे ज़्यादा जो उनको विरोध झेलना पड़ रहा है, हमारे जो वर्तमान के सांसद हैं डॉक्टर ST हसन, जो उनके समर्थक हैं, बहुत पूरी तरीके से विरोध कर रहे हैं उनका। तो ये उनका लास्ट टाइम पे, बिल्कुल लास्ट दिन
जो उनका नॉमिनेशन हो रखा था वो कैंसिल कर दिया, उसका पूरा प्रभाव रुचि वीरा जी पे पूरा पड़ेगा। नहीं, अब लोग कह रहे हैं कि भाई समाजवादी का वोट है वो तो मुस्लिम वोट है, कहीं एसटीएसएन क्या करेंगे, मतलब एसटीएसएन के कहने पर क्या वोट तब्दील हो जाएगा, बदल जाएगा? समाजवादी का वोट देखा जाए तो मुस्लिम समाज को बहुत बड़े स्तर पर माना जाता है, क्योंकि हमारी लोकसभा वैसे भी पूरी तरीके से मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है। तो यहाँ पर एक मुस्लिम चेहरा इरफान सैफी का जो बहुजन समाज पार्टी से खड़े हुए हैं वो भी है, लेकिन कुछ देखा जाता है तो इसमें कुछ ना कुछ अंदर खाने एक सिस्टम इस तरीके से चेंज होगा लास्ट में जाके कि मुस्लिम समाज को मजबूरी में कहीं ना कहीं नोटा का इस्तेमाल करते हुए इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने का पूरा साल। क्या माने अगर आप क्योंकि सियासत में बहुत मतलब आगे भी रहते हैं और देखा भी है, आपको किस तरह का माहौल नज़र आता है, क्या लगता है कि किस तरह से समाजवादी पार्टी इस सीट को बचा पाने में सफल साबित होगी? देखिए, मुरादाबाद शुरू से ही समाजवादी पार्टियाँ गढ़ रहा है। अब बात कर लें एस टी हसन की। एस टी हसन एक ऐसे सांसद हैं जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर मुरादाबाद के सबसे ज़्यादा मुद्दे उठाए। एंड तक उनका एस टी हसन का जब हमने बैठ के एंड तक उनका कहना था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझसे कहा है कि चुनाव मुरादाबाद से आप ही लड़ेंगे, फिर अगले ही दिन रुचि वीरा जी आकर नामांकन करा लेती हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस पर मोहर भी लगा देते कि भाई यही प्रत्याशी है। तो कहीं ना कहीं या तो उनका टिकट देना नहीं था वरना उनका टिकट काटना नहीं था। अब कहीं ना कहीं जो प्रभाव है वो तो पड़ेगा, क्योंकि मुस्लिम लीडर हैं, बड़े नेता हैं स्टेशन, तो कहीं ना कहीं वोटों का बंटवारा तो होगा। और मुरादाबाद के अगर चुनाव की बात की जाए तो ये 3 दिन पहले का है, तो ऐसा भी हो सकता है कि समाजवादी से हट के मुस्लिम वोट जो है वो इरफान सैफी की तरफ को कन्वर्ट हो जाए। फिलहाल अभी कुछ नहीं कह सकते, 50-50 है अभी। सुशील जी, क्या लगता है, क्या माहौल में एक मतलब पलटवार हो सकता है? क्या लगता है कि बीजेपी इस बार जो मुरादाबाद अपनी लोकसभा सीट है उसको बचा पाएगी, या जिस तरीके का 14 में प्रदर्शन रहा क्या उस तरीके से वो उसे काबू कर पाएगी? नहीं देखो, बात ये है कि बार बार एक सवाल आ रहा है कि एसटीएसएन का टिकट काट के इसलिए मुसलमान जो है नाराज है। एसटीएसएन जो आज नाराज हुए बैठे हैं अपने टिकट कटने से, वो 2019 का भी समय याद कर लें कि जब मुरादाबाद लोकसभा के लिए नासिर कुरैशी का टिकट हुआ था और वो सिंबल और पूरा सब कुछ लेकर लखनऊ से चल दिए थे, शाहजहानपुर तक आ गए थे, फिर आज अखिलेश यादव का फ़ोन आया कि आप वापस आइए, वो वापस गए और उनका टिकट काट के एसटीएसएन को दे दिया गया, तब बड़ा दिल दिखाते हैं ना। नहीं, बड़ा सवाल ये भी है ना कि एस टी हसन से तो बकायदा नॉमिनेशन करा लिया गया और उसके बाद में उनकी जगह पर किसी और कैंडिडेट को, तो कहीं ना कहीं एक मंच पर बैठाया और उसके बाद में उनकी टांग पकड़ के, अगर मैं देखूं तो उनकी टांग पकड़ के खींच दी गई, लगता नहीं आपको? एस टी हसन जी को तो खुद ही इस बार सरेंडर कर देना चाहिए था कि मुझे आप टिकट ना दें। पूरे अगर मैं पत्रकार हूँ और मेरे मुरादाबाद में 10 पत्रकार हैं और 10 पत्रकारों में से 8 मेरे खिलाफ़ बोल रहे हैं, तो ये जानकारी मेरे पास आ जानी चाहिए थी। पूरे मुरादाबाद में एसटीएसएन के खिलाफ़ एक माहौल था, गांव देहातों में माहौल था कि एसटीएसएन ने पूरी अपनी 5 साल का कार्यकाल अपने क्लिनिक में गुजार दिया, कभी जनता के बीच में नहीं गए, तो जनता से नाराज़गी थी। जब एसटीएसएन का टिकट हुआ तो फिर एक मैसेज ऊपर गया कि अगर एसटीएसएन लड़ते हैं तो निश्चित ही यहाँ से समाजवादी पार्टी जो है अपनी सीट हार जाएगी। लेकिन लगता नहीं है आपको, अगर मुरादाबाद में बात करें, अभी आपसे बात करते हैं, अभी आप रुकिएगा, आपसे बात करेंगे, आपको नहीं लगता कि अगर एसटीएसएन को वापस इस चुनावी मैदान में होते तो कहीं ना कहीं एक बीजेपी के सामने बहुत अच्छी फाइट हो सकती थी? बीजेपी के सामने अच्छी फाइट होती और अब भी होने की संभावना बनी है, क्योंकि मुरादाबाद जो है ऐसी सीट है, लोकसभा क्षेत्र है, कि यहाँ पर जो चुनाव होता है भाजपा और सपा के साथ में होता है और इस वक्त जो पोजीशन है कुछ नाराज़गी है और खट्टे मीठे मामले चल रहे हैं आपसी, ये जग जाहिर है। टिकट कटने से लेकर और अब तक की कहानी सभी को मालूम है, सभी बता चुके हैं। लेकिन मेरा कहना यह है, अगर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव स्वयं किसी प्रोग्राम में रामपुर या मुरादाबाद आते हैं और इन नाराज लोगों को, चाहे एसटीएसएन हो और लोगों, इनको मंच पे बुलाते हैं, तब पूरी तरीके से फाइट होना संभव है, नहीं तो इसमें नुकसान होने वाला है। क्या मतलब एसटीएसएन अपने उस अपमान को भूल जाएंगे फिर, लग रहा है? नहीं, अभी तो उनका एक सीधा सीधा बयान ये दिया था उन्होंने कि मैं मुरादाबाद में चुनाव नहीं लड़ाऊंगा, लेकिन समाजवादी पार्टी में हूँ, जो मेरा शीर्ष नेतृत्व कहेगा मैं वही काम करूँगा। अगर शीर्ष नेतृत्व उनसे कहेगा कि आपको चुनाव मैदान में आना है, चुनाव लड़ाना है, तो मुझे लगता है कि ज़रूर आएंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मुरादाबाद में लोकसभा सीट को अगर देखें तो किस तरह रुख जा रहा है? देखो, रुख की बात यह है कि आप चुनाव किस तरीके से लड़ रहे हो। भाजपा जो है वो जमीन पे, ग्राउंड जीरो पे जाके अपनी तैयारी कर रही है,
बूथ स्तर पर अपने तैयारी कर रही है, जगह जगह अपने कार्यक्रम लगा रहे हैं उनके पार्टी के लोग, और उन्हें जितना भी अपनी मेहनत करनी है, जीतोड़ मेहनत करनी है, वो कर रही है जीत के लिए। इधर अगर समाजवादी की बात करें तो जिस समय से नामांकन हुआ है, टिकट कटा है, ये सब चीज़ें जो घमासान चला है, वहाँ समाजवादी पार्टी अभी भी मैदान में ज़मीनी स्तर पर नहीं है। लोगों से मुलाकातें हो रही हैं, बातचीत हो रही है, सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जिस तरीके से एक तैयारी होती है चुनाव लड़ने की, आज ही की बात है कि समाजवादी की पार्टी कार्यालय में मीटिंग थी, तो रुचि बिरा ने खुद वहाँ से मंच से कहा है कि मैं सबसे पहले सर अपनी बात और करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से कहती हूँ कि कम से कम बूथ स्तर की लिस्ट तो मुझे दे दो, जिससे कि मैं, मुझे पता चले कि 2000 के करीब बूथ हैं, उस पर हमें कहाँ कहाँ अपने बूथ एजेंटों को लगाना है, उन्हें किस तरीके से काम को सौंपना है। बोले लिस्ट नहीं मिल पा रही उनको भी, तो वो जो ज़मीनी तैयारी है वो ऊपर से तैयारी नहीं है। बात कि समाजवादी को वोट मिलेगा नहीं मिलेगा, मुस्लिम वोट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये बात भूल जाओ कि मुसलमान जो है समाजवादी के अलावा कहीं और जाएगा। बसपा का प्रत्याशी है वो कहीं भी लड़ाई में किसी तरीके से नज़र नहीं आ रहा। समाजवादी का वोट, उनसे जो मुस्लिम वोट है वो मिलेगा, साथ ही साथ जो सरकार से हर तबके का, हर जाति का, हिंदू, खासकर हिंदू जातियों में, हिंदू धर्म में जो वोट सरकार से नाराज़ है, वो जब वोट डालने जाता था अब से पहले, तो वो देखता था कि सामने यार मुस्लिम चेहरा है, हम इसे वोट क्यों दें, चलो भाजपा को ही दे देते हैं। लेकिन इस बार उसके साथ प्लस पॉइंट ये हो रहा है कि जब वो वोट डालने जाएगा और सरकार से नाराज़ है, तो उसे एक हिंदू चेहरा समाजवादी के रूप में यहाँ से मिलेगा, तो वो वोट उधर ट्रांसफ़र हो सकता है, वो वोट समाजवादी को जीत में बढ़ोतरी देगा, प्लस हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ में मुरादाबाद के पत्रकार, जिन्होंने सही तौर पर कहा है कि आखिरकार मुरादाबाद में किस तरीके की फ़ाइट होने वाली है और किस तरह का रुझान रहने वाला है, इस पर हमने आप सभी के सामने पत्रकारों की राय रखी है। अब देखना होगा कि अभी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी वक्त है और वोटिंग में भी वक्त है, तो अभी इससे, इसके बीच बीच में भी हम आपको मुरादाबाद के रुझान से अवगत कराते रहेंगे। अपने सहयोगी के साथ मैं अंकित चौहान, पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।